हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट टू मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन मैग ले फ्यू और इसे बॉडी किए हैं मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिप्स स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेबिरिया और एडल स्क्रोपुलस, पॉल वेल्टर हॉसर, कैनिंगस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमेटोग्राफी दी एडम हबीब, जोनाथन पाइट को और इसे एडिट किए मेरिशा हॉर्विट्स और इसे मेरी दी एंड्री टेट्समैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है जून 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और जून 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $200 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $17.9 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोए और येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस और ब्लू सेड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर और रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फियर और पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस बिल हेडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म, लीजा लेपिरा एज डिस्कस्ट और ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन, लेपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट फिल्म, माया होयक एज एंजाइटी, आया इडब्रियर एज इनवी, एडल इस्क्रोबोलस एज इनू, पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट, कैनिंगस्टन टॉलमैन एज रिली एडरसन, डाइना लेन एज मिस्टर एडरसन रिली मदर, किल मैकलेचलन एज मिस्टर एडरसन रिली फादर, लिलमार एज वैलेंटाइन, वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल, सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड, ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड, यंग ई एज लांस बेलेड अ हीरोइक वीडियो गेम करेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर ही इज सिमिलर टू करेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी, यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप, रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ करेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टीवी शो ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन, जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी, स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट, डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक, किर्क थिएटर एज फोरमैन, फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव, पॉल बेल एज मॉम्स एंगर, जून सकीब एज नॉस्टलजिया अ न्यू बीज नॉस्टलजिक इमोशन, पीट डॉक्टर एज डेड एंगर, पॉल पॉडिस्टन एज फ्रो ग्रेटर पॉल, जॉन रेटेंजनबर्ग एज फ्रिट्स, सेरियो ब्लू एज मार्जिया, फ्ली एज जैक, बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी, कैंडल क्यून सोकीफुल्ड एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के 1 साल बाद की कहानी। रीले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं, खुशी आदि, उदासी, डर, गुस्सा और घृणा ने तब से रीले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है, जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रीले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रीले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रिले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं
कि अन्न आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्री यंग और ग्रेस हर्शी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली चार नई भावनाएं मिलती है, ईर्ष्या, उग्र और सामग्री, और उनकी नेता चिंता नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं, जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भिड़ जाते हैं। जॉय कहा चाहता है रिले मज़े करे, जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायरफॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर में। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट 2 मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन मैग ले फ्यू और इसे बॉडी किए मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिप्स स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेबिरिया और एडल स्क्रोपुलस, पॉल वेल्डर हॉसर, कैनिंगस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी एडम हबीब, जोनाथन पाइटको और इसे एडिट किए मेरिशा हॉरविट्स और इसे इमेज दी एंड्री टेट्समैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है जून 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और जून 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $200 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $17.9 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोय अ येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस अ ब्लू सैड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर अ रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फियर अ पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस बिल हेडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म, लीजा लेपिरा एज डिस्कस्ट अ ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन, लेपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट फिल्म, माया होयक एज एंजाइटी, आया इट बियर एज इनवी, एडल इक्रोबोलस एज इनू, पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट, कैनिंगस्टन टॉलमैन एज रिली एडरसन, डाइना लेन एज मिस्टर एडरसन रिली मदर, किल मैकलेचलन एज मिस्टर एडरसन रिली फादर, लिलमार एज वैलेंटाइन वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल, सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड, ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड, यंग ई एज लॉन्सलेस बेलेड अ हीरोइक वीडियो गेम करेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर ही इज सिमिलर टू करेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी, यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप, रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ करेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टी वी शो ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन, जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी, स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट, डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक, किर्क थिएटर एज फोरमैन, फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव, पॉल बेल एज मॉम्स एंगर, जून सकीब एज नॉस्टलजिया अ न्यू बीज नॉस्टलजिक इमोशन, पीट डॉक्टर एज डेड एंगर, पॉल पॉडस्टन एज फ्रो ग्रेटर पॉल, जॉन रेटेनबर्ग
एज फ्रिट्स, सिरियो ब्लू एज मार्जिया, फ्ली एज जैक, बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी, कैंडल क्यून सोकीफुल एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के एक साल बाद की कहानी। रीले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं, खुशी आदि, उदासी, डर, गुस्सा और घृणा ने तब से रीले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है, जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है, जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रीले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रीले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रीले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं कि अन्न आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्री यंग और ग्रेस हर्शी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली 4 नई भावनाएं मिलती है। ईर्ष्या, उब्र और सामग्री और उनकी नेता चिंता नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं, जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भीड़ जाते हैं। जॉय कह चाहता है रिले मज़े करे, जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायर हॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर में। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट 2 मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन, मैग ले फ्यू और इसे प्रोड्यूस किए मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिस स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेब्रिय और एडल एक्सक्रोपुलस, पॉल वेल्डर हॉसर, कैनिस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमेटोग्राफी दी एडम हबीब, जोनाथन पाइट को और इसे एडिट किए मेरिशा हॉर्विट्स और इसे इमेज दिए एंड्री टेट्समैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है जून 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और जून 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $200 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $17.9 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोए अ येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस अ ब्लू सैड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर अ रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फियर अ पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस बिल हेडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म,
लीजा लैपिरा एज डिस्कस्ड अ ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन लैपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट टीम माया होयक एज एंजाइटी आया इट बियर एज इनवी एडल इक्रोबोलस एज इनू पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट कैनिक्सटन टॉलमैन एज रिली एडरसन डाइना लैन एज मिस्टर एडरसन रिली मदर किल मैकलेचलन एज मिस्टर एडरसन रिली फादर लिलमार एज वैलेंटाइन वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड यंग ई एज लांसलेस ब्लेड अ हीरोइक वीडियो गेम करेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर ही इज सिमिलर टू करेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ करेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टी वी शो ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक किर्क थिएटर एज फोरमैन फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव पॉल बेल एज मॉम्स एंगर जून सकीब एज नॉस्टलजिया अ न्यू बीज नॉस्टलजिक इमोशन पीट डॉक्टर एज डेड एंगर पॉल पॉडिस्टन एज फ्रो ग्रेटर पॉल जॉन रेटेंजनबर्ग एज फ्रिट्स सेरियो ब्लू एज मार्जिया फ्ली एज जैक बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी कैंडल क्यून सोकीफुल्ड एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के एक साल बाद की कहानी। रिले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं खुशी आदि उदासी डर गुस्सा और घृणा ने तब से रिले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रिले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रिले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रिले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं कि अन्न आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्री यंग और ग्रेस हर्शी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली 4 नई भावनाएं मिलती है। ईर्ष्या उब्र और सामग्री और उनकी नेता चिंता नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भीड़ जाते हैं। जॉय कहा चाहता है रिले मज़े करे जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायर हॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर में।
हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट टू मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन मैग ले फ्यू और इसे बॉडी किए हैं मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिस स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेबिरियो और एडल एक्सक्रोपुलस, पॉल वेल्डर हॉसर, कैनिंगस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमेटोग्राफी दी एडम हबीब, जोनाथन पाइट को और इसे एडिट किए मेरिशा हॉर्विट्स और इसे इमेज दिए एंड्री टेट्समैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है जून 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और जून 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $200 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $17.9 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोए अ येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस अ ब्लू सैड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर अ रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फियर अ पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस बिल हेडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म, लीजा लेपिरा एज डिस्कस्ट अ ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन, लेपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट फिल्म, माया होयक एज एंजाइटी, आया इडब्रियर एज इनवी, एडल इक्सक्रोबोलस एज इनू, पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट, कैनिंगस्टन टॉलमैन एज रिली एडर्सन, डाइना लेन एज मिस्टर एडर्सन रिली मदर, किल मैकलेचलन एज मिस्टर एडर्सन रिली फादर, लिलमार एज वैलेंटाइन, वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल, सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड, ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड, यंग ई एज लॉन्सलेस बेलेड अ हीरोइक वीडियो गेम करेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर ही इज सिमिलर टू करेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी, यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप, रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ करेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टीवी शो ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन, जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी, स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट, डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक, किर्क थिएटर एज फोरमैन, फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव, पॉल बेल एज मॉम्स एंगर, जून सकीब एज नॉस्टलजिया अ न्यू बीज नॉस्टलजिक इमोशन, पीट डॉक्टर एज डैड एंगर, पॉल पॉडस्टन एज फ्रो ग्रेटर पॉल, जॉन रेटेंजनबर्ग एज फ्रिट्स, सेरियो ब्लू एज मार्जिया, फ्ली एज जैक, बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी, कैंडल क्यून सोकीफुल्ड एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के एक साल बाद की कहानी। रीले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं, खुशी, उदासी, डर, गुस्सा और घृणा ने तब से रीले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है, जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रीले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रीले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रीले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं,
कि अन्न आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्रियंग और ग्रेस हर्षी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली चार नई भावनाएं मिलती है, ईर्ष्या, उब्र और सामग्री। और उनकी नेता चिंता नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं, जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भिड़ जाते हैं। जॉय कहा जा चाहता है रिले मज़े करे, जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायरफॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर में। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट 2 मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन मैग ले फ्यू और इसे प्रोड्यूस किए मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिस स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेबिरियो और एडल एक्सक्रोपुलस, पॉल वेल्डर हॉसर, कैनिस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमेटोग्राफी दी एडम हबीब, जोनाथन पाइटको और इसे एडिट किए मेरिशा हॉर्विट्स और इसे म्यूजिक दिए एंड्री टेट्समैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज़ और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है June 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और June 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $200 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $17.9 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोय और येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस अ ब्लू सैड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर अ रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फियर अ पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस बिल हेडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म, लीजा लेपिरा एज डिस्कस्ट अ ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन, लेपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट फिल्म, माया होयक एज एंजाइटी, आया इडब्रियर एज इनवी, एडल इस्क्रोबोलस एज इनू, पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट, कैनिस्टन टॉलमैन एज रिली एडर्सन, डाइना लेन एज मिस्टर एडर्सन रिली मदर, किल मैकलेचलन एज मिस्टर एडर्सन रिली फादर, लिलमार एज वैलेंटाइन वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल, सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड, ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड, यंग ई एज लांसलेस बेलेड अ हीरोइक वीडियो गेम करेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर ही इज सिमिलर टू कैरेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी, यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप, रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ कैरेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टीवी शो ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन, जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी, स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट, डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक, किर्क थिएटर एज फोरमैन, फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव, पॉल बेल एज मॉम्स एंगर, जून सकीब एज नॉस्टलजिया अ न्यू बीज नॉस्टलजिक इमोशन, पीट डॉक्टर एज डेड एंगर,
पॉल पॉडिस्टन एज फ्रॉग, ग्रेटर पॉल रोजॉन रेटिंजनबर्ग एज फ्रिट्स, सेरियो ब्लू एज मार्जिया, फ्ली एज जैक, बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी, कैंडल क्यून सोकीफुल्ड एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के एक साल बाद की कहानी। रीले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं, खुशी आदि, उदासी, डर, गुस्सा और घृणा ने तब से रीले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है, जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है, जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रीले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रीले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रीले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं कि अन्न आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्री यंग और ग्रेस हर्शी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली 4 नई भावनाएं मिलती है, ईर्ष्या, उब्र और सामग्री, और उनकी नेता चिंता। नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं, जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भीड़ जाते हैं। जॉय कहा चाहता है रिले मज़े करे, जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायर हॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर में। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट 2 मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन, मैग ले फ्यू और इसे प्रोड्यूस किए मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिप्स स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेब्रिया और एडल एक्सक्रोपुलस, पॉल वेल्डर हॉसर, कैनिंगस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमेटोग्राफी दिए एडम हबीब, जोनाथन पाइटको और इसे एडिट किए मेरिशा हॉर्विट्स और इसे मेरी दिए एंड्री टेट्समैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है June 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और June 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $200 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $17.9 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोय और येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस और ब्लू सेड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर और रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फेयर और पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस
बिल हैडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म। लीजा लैपिरा एज डिस्कस्ट अ ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन। लैपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट टीम। माया होयक एज एंजाइटी। आया इट बियर एज इनवी। एडल स्क्रोबोलस एज इनू। पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट। केनिस्टन टॉलमैन एज रिली एडरसन। डाइना लेन एज मिस्टर एडरसन रिली मदर। किल मैकलेचलन एज मिस्टर एडरसन रिली फादर। लिलमार एज वैलेंटाइन। वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल। सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड। ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड। यंग ई एज लांसलेस ब्लेड अ हीरोइक वीडियो गेम कैरेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर। ही इज सिमिलर टू कैरेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी। यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप। रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ कैरेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टीवी शो। ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन। जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी। स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट। डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक। किर्क थिएटर एज फोरमैन। फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव। पॉल बेल एज मॉम्स एंगर। जून सकिब एज नॉस्टलजिया अ न्यू बीज नॉस्टलजिक इमोशन। पीट डॉक्टर एज डेड एंगर। पॉल पॉडस्टन एज फ्रोग्रेटर पॉल। जॉन रेटेंजनबर्ग एज फ्रिट्स। शेरियो ब्लू एज मार्जिया। फ्ली एज जैक। बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी। कैंडल क्यून सोकीफुल्ड एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के एक साल बाद की कहानी। रीले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं खुशी आदि उदासी डर गुस्सा और घृणा ने तब से रीले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है। जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रीले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रीले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रीले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं कि अन आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्री यंग और ग्रेस हर्षी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली 4 नई भावनाएं मिलती है। ईर्ष्या उब्र और सामग्री और उनकी नेता चिंता नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं। जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भीड़ जाते हैं। जॉय कहा चाहता है रिले मज़े करे जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायर हॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर में।
हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट टू मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन मैग ले फ्यू और इसे प्रोड्यूस किए मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिप्स स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेबिरिया और एडल स्क्रोपुलस, पॉल वेल्टर हॉसर, कैनिंगस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमेटोग्राफी दी एडम हबीब, जोनाथन पाइट को और इसे एडिट किए मेरिशा हॉर्विट्स और इसे मेरी दी एंड्री टेट्समैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है जून 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और जून 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $200 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $17.9 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोए और येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस और ब्लू सेड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर और रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फियर और पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस बिल हेडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म, लीजा लेपिरा एज डिस्कस्ट और ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन, लेपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट फिल्म, माया होयक एज एंजाइटी, आया इडब्रियर एज इनवी, एडल इस्क्रोबोलस एज इनू, पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट, कैनिंगस्टन टॉलमैन एज रिली एडरसन, डाइना लेन एज मिस्टर एडरसन रिली मदर, किल मैकलेचलन एज मिस्टर एडरसन रिली फादर, लिलमार एज वैलेंटाइन वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल, सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड, ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड, यंग ई एज लांस बेलेड अ हीरोइक वीडियो गेम करेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर ही इज सिमिलर टू करेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी, यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप, रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ करेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टीवी शो ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन, जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी, स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट, डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक, किर्क थिएटर एज फोरमैन, फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव, पॉल बेल एज मॉम्स एंगर, जून सकीब एज नॉस्टलजिया अ न्यू बीज नॉस्टलजिक इमोशन, पीट डॉक्टर एज डेड एंगर, पॉल पॉडस्टन एज फ्रो ग्रेटर पॉल, जॉन रेटेंजनबर्ग एज फ्रिट्स, सेरियो ब्लू एज मार्जिया, फ्ली एज जैक, बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी, कैंडल क्यून सोकीफुल्ड एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के एक साल बाद की कहानी। रीले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं, खुशी आदि, उदासी, डर, गुस्सा और घृणा ने तब से रीले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है, जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रीले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रीले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रिले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं
कि अन्न आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्री यंग और ग्रेस हर्शी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली चार नई भावनाएं मिलती है, ईर्ष्या, उग्र और सामग्री, और उनकी नेता चिंता नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं, जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भिड़ जाते हैं। जॉय कहा चाहता है रिले मज़े करे, जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायरफॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर में। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट 2 मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन मैग ले फ्यू और इसे प्रोड्यूस किए मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिस स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेबिरिया और एडल एक्सक्रोपुलस, पॉल वेल्टर हॉसर, कैनिंगस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी एडम हबीब, जोनाथन पाइटको और इसे एडिट किए मेरिशा हॉरविट्स और इसे इमेज दिए एंड्री टेट्समैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है जून 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और जून 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $200 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $17.9 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोय अ येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस अ ब्लू सैड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर अ रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फियर अ पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस बिल हेडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म, लीजा लेपिरा एज डिस्कस्ट अ ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन, लेपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट फिल्म, माया होयक एज एंजाइटी, आया इट बियर एज इनवी, एडल इक्रोबोलस एज इनू, पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट, कैनिंगस्टन टॉलमैन एज रिली एडरसन, डाइना लेन एज मिस्टर एडरसन रिली मदर, किल मैकलेचलन एज मिस्टर एडरसन रिली फादर, लिलमार एज वैलेंटाइन वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल, सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड, ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड, यंग ई एज लॉन्सलेस बेलेड अ हीरोइक वीडियो गेम करेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर ही इज सिमिलर टू करेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी, यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप, रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ करेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टी वी शो ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन, जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी, स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट, डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक, किर्क थिएटर एज फोरमैन, फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव, पॉल बेल एज मॉम्स एंगर, जून सकीब एज नॉस्टलजिया अ न्यू बीज नॉस्टलजिक इमोशन, पीट डॉक्टर एज डेड एंगर, पॉल पॉडस्टन एज फ्रो ग्रेटर पॉल, जॉन रेटेनबर्ग
एज फ्रिट्स, सिरियो ब्लू एज मार्जिया, फ्ली एज जैक, बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी, कैंडल क्यून सोकीफुल एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के एक साल बाद की कहानी। रीले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं, खुशी आदि, उदासी, डर, गुस्सा और घृणा ने तब से रीले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है, जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है, जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रीले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रीले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रीले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं कि अन्न आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्री यंग और ग्रेस हर्षी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली 4 नई भावनाएं मिलती है। ईर्ष्या, उब्र और सामग्री और उनकी नेता चिंता नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं, जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भीड़ जाते हैं। जॉय कह चाहता है रिले मज़े करे, जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायर हॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर में। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट 2 मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन, मैग ले फ्यू और इसे प्रोड्यूस किए मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिस स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेब्रिय और एडल एक्सक्रोपुलस, पॉल वेल्डर हॉसर, कैनिंगस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमेटोग्राफी दी एडम हबीब, जोनाथन पाइट को और इसे एडिट किए मेरिशा हॉर्विट्स और इसे इमेज दिए एंड्री टेट्समैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है जून 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और जून 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $200 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $17.9 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोए अ येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस अ ब्लू सैड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर अ रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फियर अ पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस बिल हेडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म,
लीजा लैपिरा एज डिस्कस्ड अ ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन लैपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट टीम माया होयक एज एंजाइटी आया इट बियर एज इनवी एडल इक्रोबोलस एज इनू पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट कैनिक्सटन टॉलमैन एज रिली एडरसन डाइना लैन एज मिस्टर एडरसन रिली मदर किल मैकलेचलन एज मिस्टर एडरसन रिली फादर लिलमार एज वैलेंटाइन वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड यंग ई एज लांसलेस ब्लेड अ हीरोइक वीडियो गेम करेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर ही इज सिमिलर टू करेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ करेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टी वी शो ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक किर्क थिएटर एज फोरमैन फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव पॉल बेल एज मॉम्स एंगर जून सकीब एज नॉस्टलजिया अ न्यू बीज नॉस्टलजिक इमोशन पीट डॉक्टर एज डेड एंगर पॉल पॉडिस्टन एज फ्रो ग्रेटर पॉल जॉन रेटेंजनबर्ग एज फ्रिट्स सेरियो ब्लू एज मार्जिया फ्ली एज जैक बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी कैंडल क्यून सोकीफुल्ड एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के एक साल बाद की कहानी। रिले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं खुशी आदि उदासी डर गुस्सा और घृणा ने तब से रिले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रिले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रिले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रिले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं कि अन्न आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्री यंग और ग्रेस हर्षी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली 4 नई भावनाएं मिलती है। ईर्ष्या उब्र और सामग्री और उनकी नेता चिंता नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भीड़ जाते हैं। जॉय कहा चाहता है रिले मज़े करे जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायर हॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर में।
हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट टू मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन मैग ले फ्यू और इसे बॉडी किए हैं मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिस स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेबिरियो और एडल एक्सक्रोपुलस, पॉल वेल्डर हॉसर, कैनिंगस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमेटोग्राफी दी एडम हबीब, जोनाथन पाइट को और इसे एडिट किए मेरिशा हॉर्विट्स और इसे इमेज दिए एंड्री टेट्समैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है जून 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और जून 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $200 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $17.9 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोए अ येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस अ ब्लू सैड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर अ रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फियर अ पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस बिल हेडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म, लीजा लेपिरा एज डिस्कस्ट अ ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन, लेपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट फिल्म, माया होयक एज एंजाइटी, आया इडब्रियर एज इनवी, एडल इक्सक्रोबोलस एज इनू, पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट, कैनिंगस्टन टॉलमैन एज रिली एडर्सन, डाइना लेन एज मिस्टर एडर्सन रिली मदर, किल मैकलेचलन एज मिस्टर एडर्सन रिली फादर, लिलमार एज वैलेंटाइन, वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल, सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड, ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड, यंग ई एज लांसलेस बेलेड अ हीरोइक वीडियो गेम करेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर ही इज सिमिलर टू करेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी, यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप, रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ करेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टी वी शो ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन, जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी, स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट, डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक, किर्क थिएटर एज फोरमैन, फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव, पॉल बेल एज मॉम्स एंगर, जून सकीब एज नॉस्टलजिया अ न्यू बीज नॉस्टलजिक इमोशन, पीट डॉक्टर एज डैड एंगर, पॉल पॉडस्टन एज फ्रो ग्रेटर पॉल, जॉन रेटेंजनबर्ग एज फ्रिट्स, सेरियो ब्लू एज मार्जिया, फ्ली एज जैक, बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी, कैंडल क्यून सोकीफुल्ड एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के एक साल बाद की कहानी। रीले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं, खुशी आदि, उदासी, डर, गुस्सा और घृणा ने तब से रीले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है, जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रीले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रीले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रीले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं,
कि अन्न आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्रियंग और ग्रेस हर्षी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली चार नई भावनाएं मिलती है, ईर्ष्या, उब्र और सामग्री। और उनकी नेता चिंता नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं, जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भिड़ जाते हैं। जॉय कहा चाहता है रिले मज़े करे, जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायरफॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर में। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट 2 मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन मैग ले फ्यू और इसे प्रोड्यूस किए मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिस स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेबिरियो और एडल एक्सक्रोपुलस, पॉल वेल्डर हॉसर, कैनिस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमेटोग्राफी दी एडम हबीब, जोनाथन पाइटको और इसे एडिट किए मेरिशा हॉर्विट्स और इसे म्यूजिक दिए एंड्री टेट्समैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज़ और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है June 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और June 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $200 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $17.9 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोय और येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस अ ब्लू सैड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर अ रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फियर अ पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस बिल हेडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म, लीजा लेपिरा एज डिस्कस्ट अ ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन, लेपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट फिल्म, माया होयक एज एंजाइटी, आया इडब्रियर एज इनवी, एडल इस्क्रोबोलस एज इनू, पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट, कैनिस्टन टॉलमैन एज रिली एडर्सन, डाइना लेन एज मिस्टर एडर्सन रिली मदर, किल मैकलेचलन एज मिस्टर एडर्सन रिली फादर, लिलमार एज वैलेंटाइन वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल, सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड, ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड, यंग ई एज लांसलेस बेलेड अ हीरोइक वीडियो गेम करेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर ही इज सिमिलर टू कैरेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी, यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप, रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ कैरेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टीवी शो ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन, जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी, स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट, डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक, किर्क थिएटर एज फोरमैन, फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव, पॉल बेल एज मॉम्स एंगर, जून सकीब एज नॉस्टैल्जिया अ न्यू बीज नॉस्टैल्जिक इमोशन, पीट डॉक्टर एज डैड एंगर, पॉल पॉडस्टन एज फ्रो ग्रेटर पॉल, जॉन रेटेनबर्ग
एज फ्रिट्स, स्टीरियो ब्लू एज मार्जिया, फ्ली एज जैक, बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी, कैंडल क्यून सोकीफुड एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के एक साल बाद की कहानी। रीले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं, खुशी आदि, उदासी, डर, गुस्सा और घृणा ने तब से रीले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है, जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है, जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रीले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रीले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रीले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं कि अन्न आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्री यंग और ग्रेस हर्शी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली चार नई भावनाएं मिलती है। ईर्ष्या, उब्र और सामग्री और उनकी नेता चिंता नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं, जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भीड़ जाते हैं। जॉय कहा चाहता है रिले मज़े करे, जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायर हॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर में। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट 2 मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन, मैग ले फ्यू और इसे प्रोड्यूस किए मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिप्स स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेब्रियो और एडल एक्सक्रोपुलस, पॉल वेल्डर हॉसर, कैनिंगस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमेटोग्राफी दिए एडम हबीब, जोनाथन पाइटको और इसे एडिट किए मेरिशा हॉर्विट्स और इसे मेरी दिए एंड्री टेट्समैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है जून 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और जून 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $200 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $17.9 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोय और येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस अ ब्लू सेड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर अ रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फियर अ पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस बिल हेडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म,
लीजा लैपिरा एज डिस्कस्ड अ ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन लैपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट टीम माया होयक एज एंजाइटी आया इट बियर एज इनवी एडल इक्रोबोलस एज इनू पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट कैनिक्सटन टॉलमैन एज रिली एडरसन डाइना लैन एज मिस्टर एडरसन रिली मदर किल मैकलेशन एज मिस्टर एडरसन रिली फादर लिलमार एज वैलेंटाइन वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड यंग ई एज लांसलेस ब्लेड अ हीरोइक वीडियो गेम कैरेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर ही इज सिमिलर टू कैरेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ कैरेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टीवी शो ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक किर्क थिएटर एज फोरमैन फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव पॉल बेल एज मॉम्स एंगर जून सकीब एज नॉस्टलजिया अ न्यू बीज नॉस्टलजिक इमोशन पीट डॉक्टर एज डेड एंगर पॉल पॉडस्टन एज फ्रोग्रेटर पॉल जॉन रेटेंजनबर्ग एज फ्रिट्ज सेरियो ब्लू एज मार्जिया फ्ली एज जैक बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी कैंडल क्यून सोकीफुल्ड एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के एक साल बाद की कहानी। रिले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं खुशी आदि उदासी डर गुस्सा और घृणा ने तब से रिले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रिले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रिले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रिले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं कि अन आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्री यंग और ग्रेस हर्शी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली 4 नई भावनाएं मिलती है। ईर्ष्या उब्र और सामग्री और उनकी नेता चिंता नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भीड़ जाते हैं। जॉय कहा चाहता है रिले मज़े करे जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायर हॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर में।
हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट टू मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन मैग ले फ्यू और इसे प्रोड्यूस किए मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिप्स स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेबिरिया और एडल स्क्रोपुलस, पॉल वेल्टर हॉसर, कैनिंगस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमेटोग्राफी दी एडम हबीब, जोनाथन पाइट को और इसे एडिट किए मेरिशा हॉर्विट्स और इसे मेरी दी एंड्री टेट्समैन और की प्रधान कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है जून 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और जून 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 200 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 17.9 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोए और येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस और ब्लू सेड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर और रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फियर और पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस बिल हेडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म, लीजा लेपिरा एज डिस्कस्ट और ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन, लेपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट फिल्म, माया होयक एज एंजाइटी, आया इडब्रियर एज इनवी, एडल इस्क्रोबोलस एज इनू, पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट, कैनिंगस्टन टॉलमैन एज रिली एडरसन, डाइना लेन एज मिस्टर एडरसन रिली मदर, किल मैकलेचलन एज मिस्टर एडरसन रिली फादर, लिलमार एज वैलेंटाइन, वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल, सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड, ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड, यंग ई एज लांस बेलेड अ हीरोइक वीडियो गेम करेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर ही इज सिमिलर टू करेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी, यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप, रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ करेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टीवी शो ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन, जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी, स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट, डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक, किर्क थिएटर एज फोरमैन, फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव, पॉल बेल एज मॉम्स एंगर, जून सकीब एज नॉस्टलजिया अ न्यू बीज नॉस्टलजिक इमोशन, पीट डॉक्टर एज डेड एंगर, पॉल पॉडिस्टन एज फ्रो ग्रेटर पॉल, जॉन रेटेंजनबर्ग एज फ्रिट्स, सेरियो ब्लू एज मार्जिया, फ्ली एज जैक, बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी, कैंडल क्यून सोकीफुल्ड एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के एक साल बाद की कहानी। रीले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं, खुशी आदि, उदासी, डर, गुस्सा और घृणा ने तब से रीले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है, जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रीले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रीले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रिले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं
कि अन्न आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्री यंग और ग्रेस हर्शी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली चार नई भावनाएं मिलती है, ईर्ष्या, उग्र और सामग्री, और उनकी नेता चिंता नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं, जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भिड़ जाते हैं। जॉय कहा चाहता है रिले मज़े करे, जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायरफॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर में। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट 2 मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन मैग ले फ्यू और इसे प्रोड्यूस किए मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिस स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेबरी और एडल एक्सक्रोपुलस, पॉल वेल्डर हॉसर, कैनिंगस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी एडम हबीब, जोनाथन पाइटको और इसे एडिट किए मेरिशा हॉरविट्स और इसे इमेज दी एंड्री टेट्समैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है जून 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और जून 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $200 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $17.9 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोय अ येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस अ ब्लू सैड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर अ रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फियर अ पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस बिल हेडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म, लीजा लेपिरा एज डिस्कस्ट अ ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन, लेपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट फिल्म, माया होयक एज एंजाइटी, आया इट बियर एज इनवी, एडल इक्रोबोलस एज इनू, पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट, कैनिंगस्टन टॉलमैन एज रिली एडर्सन, डाइना लेन एज मिस्टर एडर्सन रिली मदर, किल मैकलेचलन एज मिस्टर एडर्सन रिली फादर, लिलमार एज वैलेंटाइन वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल, सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड, ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड, यंग ई एज लॉन्सलेस बेलेड अ हीरोइक वीडियो गेम करेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर ही इज सिमिलर टू करेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी, यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप, रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ करेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टी वी शो ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन, जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी, स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट, डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक, किर्क थिएटर एज फोरमैन, फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव, पॉल बेल एज मॉम्स एंगर, जून सकीब एज नॉस्टलजिया अ न्यू बीज नॉस्टलजिक इमोशन, पीट डॉक्टर एज डेड एंगर, पॉल पॉडस्टन एज फ्रो ग्रेटर पॉल, जॉन रेटेनबर्ग
एज फ्रिट्स, सिरियो ब्लू एज मार्जिया, फ्ली एज जैक, बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी, कैंडल क्यून सोकीफुल एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के एक साल बाद की कहानी। रीले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं, खुशी आदि, उदासी, डर, गुस्सा और घृणा ने तब से रीले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है, जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है, जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रीले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रीले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रीले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं कि अन्न आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्री यंग और ग्रेस हर्षी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली 4 नई भावनाएं मिलती है। ईर्ष्या, उब्र और सामग्री और उनकी नेता चिंता नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं, जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भीड़ जाते हैं। जॉय कह चाहता है रिले मज़े करे, जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायर हॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर में। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट 2 मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन, मैग ले फ्यू और इसे प्रोड्यूस किए मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिस स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेब्रिय और एडल एक्सक्रोपुलस, पॉल वेल्डर हॉसर, कैनिंगस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमेटोग्राफी दी एडम हबीब, जोनाथन पाइट को और इसे एडिट किए मेरिशा हॉर्विट्स और इसे मेरी दिए एंड्री टेट्समैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है जून 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और जून 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $200 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $17.9 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोए अ येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस अ ब्लू सैड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर अ रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फियर अ पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस बिल हेडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म,
लीजा लैपिरा एज डिस्कस्ड अ ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन लैपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट टीम माया होयक एज एंजाइटी आया इट बियर एज इनवी एडल इक्रोबोलस एज इनू पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट कैनिक्सटन टॉलमैन एज रिली एडरसन डाइना लैन एज मिस्टर एडरसन रिली मदर किल मैकलेचलन एज मिस्टर एडरसन रिली फादर लिलमार एज वैलेंटाइन वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड यंग ई एज लांसलेस ब्लेड अ हीरोइक वीडियो गेम करेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर ही इज सिमिलर टू करेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ करेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टी वी शो ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक किर्क थिएटर एज फोरमैन फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव पॉल बेल एज मॉम्स एंगर जून सकीब एज नॉस्टलजिया अ न्यू बीज नॉस्टलजिक इमोशन पीट डॉक्टर एज डेड एंगर पॉल पॉडिस्टन एज फ्रो ग्रेटर पॉल जॉन रेटेंजनबर्ग एज फ्रिट्स सेरियो ब्लू एज मार्जिया फ्ली एज जैक बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी कैंडल क्यून सोकीफुल्ड एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के एक साल बाद की कहानी। रिले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं खुशी आदि उदासी डर गुस्सा और घृणा ने तब से रिले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रिले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रिले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रिले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं कि अन्न आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्री यंग और ग्रेस हर्षी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली 4 नई भावनाएं मिलती है। ईर्ष्या उब्र और सामग्री और उनकी नेता चिंता नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भीड़ जाते हैं। जॉय कहा चाहता है रिले मज़े करे जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायर हॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर में।
हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड आउट टू मूवी के बारे में। ये 2024 की अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कैल्सी मैन और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैग ले फ्यू और इसे डेव हॉलस्टन भी स्क्रीन प्ले दिए हैं और इसे स्टोरी दिए हैं कैल्सी मैन मैग ले फ्यू और इसे बॉडी किए हैं मार्क नीलसन और इसे स्टारिंग दिए हैं एमी पोहलर, फिलिस स्मिथ, लेविस ब्लैक, टोनी हेल, लीजा लेपायर, माया हवैक, आयो इडेबिरियो और एडल एक्सक्रोपुलस, पॉल वेल्डर हॉसर, कैनिंगस्टन टॉलमैन, डियाना लेन, कील मैकलेचलन और इसे सिनेमेटोग्राफी दी एडम हबीब, जोनाथन पाइट को और इसे एडिट किए मेरिशा हॉर्विट्स और इसे इमेज दिए एंड्री टेट्समैन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है जून 10, 2024 EL कैपिटन थिएटर और जून 14, 2024 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम है 96 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $200 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $17.9 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एमी पोहलर एज जोए अ येलो हैप्पी इमोशन के रूप में, फिलिस स्मिथ एज सैडनेस अ ब्लू सैड इमोशन के रूप में, लेविस ब्लैक एज एंगर अ रेड एंग्री इमोशन के रूप में, टोनी हेल एज फियर अ पर्पल स्केयर्ड इमोशन, हेल रिप्लेस बिल हेडर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म, लीजा लेपिरा एज डिस्कस्ट अ ग्रीन डिस्कस्टेड इमोशन, लेपिरा रिप्लेस माइंडली कैंडलिंग फॉर द फर्स्ट फिल्म, माया होयक एज एंजाइटी, आया इडब्रियर एज इनवी, एडल इक्सक्रोबोलस एज इनू, पॉल वाल्टर हॉसर एज इम्प्रेसमेंट, कैनिंगस्टन टॉलमैन एज रिली एडर्सन, डाइना लेन एज मिस्टर एडर्सन रिली मदर, किल मैकलेचलन एज मिस्टर एडर्सन रिली फादर, लिलमार एज वैलेंटाइन, वेल ऑर्टिज अ पॉपुलर हॉकी प्लेयर एंड रिले हाई स्कूल, सुमिया नूरुद्दीन ग्रीन एज ब्री रिली फ्रेंड, ग्रूस लू एज ग्रेस रिली फ्रेंड, यंग ई एज लांसलेस ब्लेड अ हीरोइक वीडियो गेम करेक्टर हु रियली हैड अ क्रश ऑन वेन सी अ यंगर ही इज सिमिलर टू करेक्टर फ्रॉम फाइनल फैंटेसी, यूट निकोला ब्राउन एज कोच रॉबर्ट्स अ हॉकी कोच एंड हेड ऑफ द समर हॉकी कैंप, रोन फ्रांसिस अ ब्लोफी अ करेक्टर फ्रॉम रियली अ फेवरेट चाइल्डहुड टी वी शो ही इज सिमिलर टू द होस्ट ऑफ इंटरेक्टिव चिल्ड्रन, जेम्स ऑस्टिन एज जॉनसन एज पूछी, स्टीव प्रोसेल एज डीप डार्क सीक्रेट, डेव कॉलेज एज माइंड कॉफ फ्रैंक, किर्क थिएटर एज फोरमैन, फ्रैंक ओज एज माइंड कॉफ डेव, पॉल बेल एज मॉम्स एंगर, जून सकीब एज नॉस्टलजिया अ न्यू बीज नॉस्टलजिक इमोशन, पीट डॉक्टर एज डैड एंगर, पॉल पॉडस्टन एज फ्रो ग्रेटर पॉल, जॉन रेटेंजनबर्ग एज फ्रिट्स, सेरियो ब्लू एज मार्जिया, फ्ली एज जैक, बॉबी मिनोहन एज फॉरगेटर बॉबी, कैंडल क्यून सोकीफुल्ड एज हॉकी अनाउंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। पहली फिल्म के ख़त्म होने के एक साल बाद की कहानी। रीले की उम्र अभी 13 साल हुई है और वह हाई स्कूल में प्रवेश करने वाली है। उसकी भावनाओं, खुशी आदि, उदासी, डर, गुस्सा और घृणा ने तब से रीले का दिमाग में एक नया खंड बनाया है जिसे उसका शेष ऑफ सेल्फ कहा जाता है, जिसमें यादें और भावनाएं हैं जो रीले के मूल व्यक्तित्व को दर्शाती है। रीले हॉकी कैंप में जाती है ताकि वह अपने निर्धारित हाई स्कूल फायर हॉक्स में हॉकी टीम के लिए आवेदन कर सके। एक अच्छा प्रभाव बनाने की चाहत में भावनाएं जॉय द्वारा बनाए गए एक तंत्र का उपयोग करती हैं ताकि रीले का दिमाग के पीछे किसी भी नकारात्मक याद को लॉन्च किया जा सके। उसके जाने से पहले की रात इमोशन कंसोल एक प्यूबर्टी अलार्म बज जाता है। इमोशन द्वारा अलार्म से छुटकारा पाने के बाद माइंड वर्कर्स का एक समूह मुख्यालय में घुस जाता है और कंसोल को अपग्रेड करता है। इस प्रक्रिया में जगह को गड़बड़ कर देता है। जाने से पहले वे भावनाओं को चेतावनी देते हैं
कि अन्न आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और भावनाओं को पता चलता है कि जब भी वे कंसोल के साथ बातचीत करते हैं तो यह रिले की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। जब रिले को हॉकी कैंप में ले जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ब्रीना ब्री यंग और ग्रेस हर्शी एक अलग हाई स्कूल में जा रही है। रिले के लिए चीज़ें तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब उसे मुख्यालय में आने वाली चार नई भावनाएं मिलती है, ईर्ष्या, उब्र और सामग्री, और उनकी नेता चिंता नई भावनाओं का स्वागत करने के बावजूद जॉय और उसके दोस्तों को अलग लगता है कि वे रिले के जीवन को बाधित कर सकते हैं, जिसमें चिंता सबसे अलग उदाहरण है क्योंकि उसे रिले के किसी भी नकारात्मक परिदृश्य के बारे में सोचना की ज़रूरत है। जॉय और चिंता हॉकी कैंप के दौरान रिले को कैसे काम पर रखना है इस पर भिड़ जाते हैं। जॉय कहा चाहता है रिले मज़े करे, जबकि चिंता को लगता है कि रिले का फायरफॉक्स पर जाने के लिए अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर में।